हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्स सम सॉल्यूशंस। और इससे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन की ऑलरेडी एक वीडियो डाल दी है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हो। और बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, और मैं जो चीज़ें आपको करा रहा हूँ वो मेरे खुद के नोट्स हैं। मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके सेक्शन में, स्टैटिक एंड करेंट दोनों में। तो मैं आपको वही कराऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपके शॉर्ट नोट्स पे कोई थ्योरी नहीं है अननेसरी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वही कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जो नए लोग हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ जाना। देखो, कोर्स मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में आती हैं जो चीज़ें अननेसरी, ऐसी कोई भी टॉपिक हम नहीं लेंगे जो एग्ज़ाम में नहीं आता और अननेसरी उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। थ्योरी में भी आपको, स्टैटिक जीके में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसमें, और प्लीज़ इसको शेयर कर देना वीडियो को। मेरी कोई फीस नहीं, मैं आपको कंप्लीट चीज़ें कराऊंगा। आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना चाहिए, बस उसके लिए मैं यहाँ करा रहा हूँ। अब देखो, सिंप्लीफिकेशन में हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया था। किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन हम बिना पेन और पेपर के कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे मिडिल स्क्वायर माइनस के डिफरेंस स्क्वायर, ये एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन है, इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे, वरना ट्रिक तो इतनी सारी हैं कि आप ट्रिक नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। मैं आपको ट्रिक ही ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करूँगा मैं। केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है वही करेंगे। देखो, मिडिल स्क्वायर डिफरेंस स्क्वायर का यूज कब आएगा, जब आपके दोनों नंबर आपके या तो ऑड हो या फिर इवन हो, ठीक है, या तो दोनों विषम हो या आपके सम हो, तभी इस जो चीज़ है, आप ट्रिक कह लो इसको, कुछ भी कह लो, ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं। अब कैसे, क्वेश्चन जैसे कि पहला क्वेश्चन आप इसी में ले लो, एग्जाम्पल वन ले लो, ठीक है। और जैसे 18 into 24, ठीक है, 18 into 24। इसके साथ दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप, 19 into 17, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें मिडिल नंबर क्या है, तो मिडिल नंबर निकालने के लिए इसका और इस नंबर का एडिशन कर दो, कितना हो गया, 214/2, यानी कितना आ गया आपका, 21। 21 एक ऐसा नंबर है जो 18 से उतना दूर है और 24 से भी सेम दूर डिस्टेंस पे है। तो 21 का स्क्वायर माइनस के डिफरेंस, देखो 21 का 24 से डिफरेंस देख लो या 18 से डिफरेंस देख लो, प्लस माइनस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके नंबर का क्या होना है, स्क्वायर ही होना है। तो 3 का डिफरेंस है 3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है, माइनस क्या होगा, 9। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आप कहोगे कि मुझे 441 नहीं आता, तो जरूरत ही नहीं पड़ती। क्वेश्चंस में कई बार प्लस माइनस की डिजिट्स आती हैं, तो जरूरत ही नहीं पड़ती उनकी। तो आप बस ये मेथड जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, कई बार क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से चीज़ आ जाती है कि हमें इस मेथड में तोड़ने के बाद ज़्यादा इजी से हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं उसका। अब देखो इसका क्या आ गया आंसर, 432, ठीक है, 432 इसका आंसर आ गया। अब इसमें देखो मिडिल नंबर क्या है इसका, 19 and 17 करेंगे तो क्या होगा, 36/2 क्या हो गया आपका, 18। तो 18 इसका क्या होगा, मिडिल नंबर हो गया। अब मिडिल का स्क्वायर माइनस के डिफरेंस का स्क्वायर कितना आ गया आपका, 324 में से एक गए 330, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी डिजिट का हो, तो आप इस तरह से उसको फैक्टराइज कर सकते हो। अब इसके बाद दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं इसी में इंपॉर्टेंट, जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसके एंड में 5 हो, एंड में 5 हो देन स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग बना लेना, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ये जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ उनके को, दिया तो आप वीडियो से देख के डायरेक्ट समझ सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस में लास्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देता हूँ, तो आप उन पर अप्लाई करो, आपको चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होगी वहाँ पर मैं आपको ज़्यादा चीज़ें दूंगा, ठीक है। एंड में 5 हो देन स्क्वायर क्या होगा, जैसे कि आप 25 का स्क्वायर हो, आप जानते हैं कि 25 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 625 होता है, ठीक है। अब इसकी नीड क्यों है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको एक नंबर दे दिया, माना कि 625, ठीक है, 625 तो रहने दो आप, 15625, ठीक है, 15625 एक नंबर है जो किसी एक नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये किस नंबर का स्क्वायर है आपको नहीं पता है, तो आप क्या करते हो, जनरली ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि आप स्क्वायर रूट के लिए लास्ट दो नंबर से पहले क्या डॉट लगा देते हो। तो इसका मतलब ये किसका है, ये आपका 5 का है, और रिमेनिंग इसका क्या ले लेते हो, आप अंडर रूट ले लेते हो, इसके नियर बाई नंबर का क्या है, 12 है, तो ये 125 का है। लेकिन कई बार ऐसी डिजिट हो फंस जाती है, जैसे कि 9831, ठीक है, 9831 किसका स्क्वायर है। अब ये देखते हैं 9831 किसका स्क्वायर, 9831 9801 किसका स्क्वायर है। देखो एंड में 1 है, तो एक एंड में 9 के 1 आता है
और एक आपके वन के वन आता है। इसके मतलब ये स्क्वायर रूट लगा रहे हैं तो लास्ट के दो नंबर तो हमने छोड़ दिए। स्टार्टिंग के दो नंबर के अंदर ऐसा कौन सा स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर आता है? देखो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 91 और 100, 10 का स्क्वायर 100, तो 9 आएगा। 9 का होता है 81, तो आपका नियर स्क्वायर नंबर कौन सा है? 9 है। तो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अब हम इसमें ये होगा आंसर या ये होगा, उसके लिए हम बिट का 95 का स्क्वायर करेंगे। 95 का स्क्वायर करने के लिए यहाँ नीड पड़ेगी आपको, अगर आपको ये चीज़ें डायरेक्ट आती हैं तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट कर दोगे। अब देखो इसमें हमने कैसे किया है, ये 5 का जो है 5 का स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्ट लिख दो 25 और जो नेक्स्ट नंबर बच गया 5 के अलावा उसको किस अगले वाले अल्टरनेट नंबर से जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके लिख दो। किस तरह से 625, ठीक है। अब सेम यहाँ पर करोगे आप, 9 से क्या मल्टीप्लाई होगा किसका, 10 का, तो कितना होगा 90 और 5 का कितना आ गया 25। अब देखो 25 यानी 9025 से 9801 क्या है, कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपका क्या आंसर होगा, 99 होगा, ठीक है। इस तरह से होगी चीज़ें। अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल के रूप में एक आप नंबर ले लो, 125 ही मैं नंबर ले लेता हूँ क्योंकि अभी इसका रिसेंटली हमने स्क्वायर रूट बनाया है। अब 5 का क्या करेंगे हम, 5 को 25 करेंगे, रिमेनिंग कितना नंबर बच गया, 12 बच गया, तो 12 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 13 से कर देंगे, तो आपका कितना आ गया ये 156 देन 25, तो आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप डेफिनेटली कर सकते थे इन चीज़ों को। अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट मल्टीप्लीकेशन है हम वो देख लेते हैं। देखो इम्पॉर्टेंट मल्टीप्लीकेशन में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट आता है इसके बाद ये थर्ड है 99 का, ठीक है। 99 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 से कर रहे हैं, ठीक है, माना कि 16 से कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इस तरह से मल्टीप्लाई करवाता है और आप डेफिनेटली उसको आगे प्रोसीड करने लग जाते हो और काफ़ी लंबी डेट होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 99 को आप 100 बनाने की कोशिश करो। कैसे, 100 माइनस 1 इनटू 16। अब ये आप यहाँ पर देख रहे हो सकता है एग्जाम में नहीं मिले, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो इस चीज़ों से कर पाओगे और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेम ऐसे। ये कितना होगा 1600 माइनस के 16 आप इजीली कर सकते हो, सबट्रैक्ट कितना हो जाएगा 1584, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते या फिर इस तरह से करते तो थोड़ा सा टफ होता। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11, ठीक है, 11 का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के रूप में मैं एक नंबर ले लेता हूँ 23 का, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 11 से। अब क्या होगा, देखो ये 3 नंबर को 3 यहाँ से लिख लेंगे, इसके बाद देन 3 को क्या करेंगे अगले नंबर से हम एडिशन करेंगे, कितना हो गया 5, देन नंबर कौन सा होगा आपका 2। इसके बाद जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अब इसमें जैसे ले लेते हैं 652, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 11 से कर रहे हैं। देखो अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, 2 यूनिट नंबर है उसको एंड में लिख लेंगे, इसके बाद 2 को एडिशन करेंगे किससे 5 से, कितना हो गया आपका 7 हो गया, कोई भी हासिल नहीं है। 5 का किससे करेंगे 6 से, क्या हो गया 11 हो गया, केवल एक ही बार में एक ही चीज़ लिखेंगे और आपकी एक हासिल आ गई यहाँ। अब इसके बाद बच गया आपका 6 के बाद अगला नंबर तो कोई है नहीं, तो आप क्या करो 1 को ऐड कर दो, क्या हो गया आपका 7, तो 7172 आपका क्या हो गया इसमें आंसर हो गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं 696 का मल्टीप्लाई बाई 11। अब देखो क्या करोगे, कई बार हम पाई का मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं कर पाते जल्दी, तो उसके संदर्भ में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो 6 है, इसके एंड में जो यूनिट है हम वही ले लेंगे, इसके बाद 6 को 9 से ऐड करेंगे कितना होगा 15 होगा, तो 5, देन अगली हाँ से लगेगी यहाँ पर 9 एंड 6 अगेन 15 एंड 1 कितना हो गया है 16, तो 16 का 6 देन अगेन 1 एंड 6 एंड 1 कितना हो गया आपका 7, तो 7656 के आगे आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा था। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन वही हम कर रहे हैं और वो है सबसे ज़्यादा 25 का मल्टीप्लीकेशन ऑफ 25। कैसे, किसी नंबर है कोई आपका 16, उसका मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो आप 25 से कर रहे हो। अब 25 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं करना कि 25 से करने लग गए, 25 का 6 से किया, 25 का 10 से किया, इस तरह से नहीं। तो आप 25 को 100 अपॉन 4 लिख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ आप नोट कर लो कि 25 को 100 अपॉन 4 लिख सकते हो, 4 को इजीली काट सकते हो, 4 से कितने टाइम्स हो गया ये 16 को काटोगे तो आपका 400 आ गया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। अब देखो इसी पैटर्न में आगे हम ले रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ 50। डेफिनेटली आप मल्टीप्लीकेशन जब 25 का किया 100 बाई 4 किया और यहाँ पर सेम एग्जांपल ले लेते हैं 50 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो देखो 16 तो ये हो गया, 100 बाई 4 किसका था आपका 25 का, देन मल्टीप्लाई क्या ये हो गया 25 में क्या है 100 बाई 4, देन 50 में क्या होगा 100 बाई 4 इंटू 2, सेम
या फिर क्या लिख लो आप इसको, सिंपल इस तरह से लिख लो कि 100 बाई 2 का आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपका 800 आ गया। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी अच्छी समझने लायक है, आपकी कैलकुलेशन काफ़ी कम करेगी। आप जो कहते हो ना कैलकुलेशन नहीं होती हमसे, सिंप्लीफिकेशन हमें नहीं सिखाया किसी ने, आप सिंप्लीफिकेशन वीडियो सर्च करते हो, वीडियो वगैरह नहीं होती, यही मेथड होते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स सभी पढ़ना जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, 16 × 75 कर रहे हैं। अब देखो जब 25 का 100/4 था तो ये 25 से कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो ये क्या होगा 100/4 भी 3 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब भी 75 आए आप 300/4 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ गया 4 से कितने टाइम्स कटा, 4 बार कटा, और ये कितना आ गया 1200 आ गया। सिंपल सी चीज़ थी, मेरे हिसाब से आप सभी इसको कर पाओगे। ठीक है, सभी लोग आप इसको कर पाओगे। अभी इसमें एक 8th पार्ट और देखो, किसी नंबर का अगर मल्टीप्लाई आप 16 ही ले रहे हो, किसी नंबर का मल्टीप्लाई आप किससे कर रहे हो, 999 से कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाई 999। ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे किसी 16 का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 999 से, तो आप क्या करोगे सेम 99 जैसा ही करोगे, 1000 बनाओगे, इसको माइनस के 1 करोगे, कितना हो गया 999, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 16, तो कितना हो गया 16000 में से आप 16 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कितना आ जाएगा 15984। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आती नहीं है, आती है एग्जाम में। और जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में बताऊँ, SSC में अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया कि 113 × 87। बहुत टीचर्स ने इसका मजाक बनाया इस क्वेश्चन का, बट एक कई ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने इसको पूरा सॉल्व किया है, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये लास्ट में 7 है, इसमें 3 है, तो इसका एंड में 1 आना है, और वहाँ एक ही ऑप्शन में 1 था, ये 6 मार्च की 2nd शिफ्ट में ये क्वेश्चन था। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सीखने को, देखो इसको अगर हम मिडिल स्क्वायर माइनस के डिफरेंस स्क्वायर से करते हैं, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन हर तरीके से आना चाहिए करना। देखो मिडिल नंबर क्या है इसका, दोनों ऑड नंबर हैं, दोनों ऑड नंबर हैं तो हम इससे कर सकते हैं। इसका मिडिल नंबर क्या है, इनका एडिशन करोगे तो कितना आएगा आपका 200 आएगा, अपॉन 2 करोगे तो कितना आएगा आपका 100 आएगा, यानी इसका मिडिल नंबर क्या हो गया 100 हो गया। 100 का क्या करो स्क्वायर, माइनस के डिफरेंस कितना होगा 100 से 113 करो 13, या फिर 100 से 87 कर लो, कुछ भी कर लो, बात आपकी सेम है। तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10000, माइनस के कितना हो गया 169। अब ये कितना आ गया 9831 आपका क्या हो गया, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। और यही आपका क्या था आंसर था, 4 ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन में लास्ट में बन था, तो आपका डायरेक्ट टिक होना था। तो इस तरह से कोई भी आपको क्वेश्चन दे रहा है तो हमें दोनों स्टूडेंट्स को लेकर सोचना चाहिए। कई ऐसे टीचर्स हैं जिनको सिर्फ अपनी सेल करनी है, अपनी जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह है, तो ऐसा मजाक किसी क्वेश्चन का नहीं, कई बार उनसे भी गलती हो जाती है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप प्लीज़ इनको अच्छे से करो। और इसके अलावा देखो मल्टीप्लिकेशन में आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन इसी से काफ़ी कंप्लीट होता है, इसके बाद हम फ्रैक्शन करेंगे और भी चीज़ें करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट चाहिए बस। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट विशेस, ओके।